नमस्कार दोस्तों, पीसी एंड्रॉइड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कुछ व्यूअर्स ने ये पूछा है, भाई गाने में डीजे नेम कैसे मिक्स करते हैं। तो उसके लिए वीडियो मैंने आपके लिए बना लिया है, और जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप अभी तक ये वीडियो नहीं देखा कि कैसे आप खुद के नाम से डीजे सब बना सकते हैं, तो वो वीडियो पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप जहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, मैं कोई डीजे मिक्सर नहीं हूँ, फिर भी आपको कुछ सैंपल वगैरह दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ वर्चुअल डीजे 8, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करने वाला है कुछ इस तरह से, और जैसे दोस्तों ओपन करेंगे आपको कुछ इंटरफेस नजर आएगा जो फर्स्ट टाइम ओपन करने पर मिलता है, और इसको सिंपली कट कर दीजिए, और आपको इस तरह से कट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, आपको ट्रैक पर नजर आएगा जहाँ से आप डीजे मिक्सिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा अवेलेबल ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ गाना ऐड कर देना होगा, जैसे कि आप फाइल मैनेजर पर जाते हैं, यहाँ पर माई पीसी पर, डेस्कटॉप पर, उसके बाद यहाँ पर कुछ गाने वगैरह मैं यहाँ पर सेव करके रखा है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा गाना है। उसके बाद यहाँ पर ढोलकी मिक्स मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं ढोलकी मिक्स को लेफ्ट साइड ऐड कर देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं, इस ढोलकी मिक्स इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जी हाँ, तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा ढोलकी मिक्स। और उसके बाद आपको डाइनर तरफ सेट करना होगा कोई भी बॉलीवुड गाना। तो इस तरह से मेरे पास कोई गाना है, तो इसको भी मैं डाइनर तरफ इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारा ये पेस्ट हो गया है। यहाँ कुछ इस तरह से आप इसको पेस्ट करके प्ले करके भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अपने खुद के नाम से डीजे शब्द को प्ले करने के लिए आपको सैंपलर यूज करना होगा, जो डाइनर तरफ आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको स्क्रॉल कर दीजिए, आपको दिखा देते हैं। तो इसको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा सैम्पलर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप किसी भी सैम्पलर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा सैम्पलर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा देते हैं कैसे आपको यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट करके उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, आपको कुछ बटन नजर आएगा ट्रैक पर तरह, उसको क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा ड्रैग करके। तो सिंपली हम डीजे नेम को यहाँ पर ड्रैग करने वाले हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं। तो डीजे नेम को क्लिक कीजिए, और इसके बाद यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका ड्रैग हो जाएगा, आप प्ले भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए बाईं तरफ हमारा जो ढोलकी मिक्स है, इसको प्ले करने वाले हैं, तो आपको दिखा देते हैं, तो सुन सकते हैं, ये हमारा ढोलकी मिक्स है। आपको इस तरह से सेट कर देना होगा ढोलकी मिक्स को, उसके बाद आपको दाहिने तरफ गाना सुनने मिल सकता है। तो सुना आपने, यहाँ पर हमारा गाना है जिसको हम मिक्स करने वाले हैं। तो कुछ आपको सैंपल दिखा देते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आप इस तरह से मिक्सिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ढोलकी को प्ले करेंगे, उसके बाद हम प्ले करेंगे डीजे नेम, उसके बाद प्ले करेंगे हम टुटक टुटक टुटिया। तो प्ले कर लेते हैं डीजे राहुल। तो ये मैंने आपको कुछ स्लो मोशन दिखा दिया है, और इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड में करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ स्पीड में करना होगा। तो मैं आपको सिर्फ दिखा दिया है स्लो में, तो इसको स्पीड में करने वाले हैं, जैसे कि ये स्मूथ हो जाए। डीजे राहुल। जैसे कि आपने सुना, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ लगभग ऐसे ही आप मिक्स कर सकते हैं डीजे नेम को अपने गाने पर। तो किसी भी बारे में आप इस तरह से आप डीजे नेम को यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आपका गाना सेट हो जाएगा, तो आपको सेटिंग ऊपर देखने मिल सकता है, इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए, और रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेम सेट करना होगा, फाइल नेम, और फाइल नेम सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको MP3 फॉर्मेट या MP4 फॉर्मेट, आप किसी भी फॉर्मेट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ MP3 फॉर्मेट। उसके बाद आप जहाँ सेव करना चाहते हैं उस फाइल को आप सेट कर दीजिए इस तरह से, और सेव कर दीजिए। और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद आप इस तरह से इसको नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। जी हाँ, उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम इसको गाने को प्ले करने वाले हैं। डीजे राहुल। तो इस तरह से मैं आपको छोटा सा सैंपल दिखा दिया है, आप इस तरह से पूरी गाने को सेव कर सकते हैं,
उसके बाद सेव होने के बाद यहाँ पर आप अपना फाइल को इसको यूज कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं कैसे बना है। तो सिंपल आपको दिखा देते हैं किस तरह से बना है। तो इसको कट कर दीजिए इस तरह से। तो चलिए दोस्तों आप प्ले करके देख लेते हैं हमने जो अभी अभी गाना सेव किया था। तो इस तरह से फाइल मैनेजर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर देख सकते हैं आपको डीजे राहुल देखने मिल सकता है। इसको हम कट करने वाले हैं डेस्कटॉप पर। जी हाँ, तो इसको कट क्लिक कर देते हैं, उसके बाद पेस्ट कर देते हैं डेस्कटॉप पर और इसको हम प्ले करके देखने वाले हैं। जी हाँ, आप सुन लीजिए सिंपल सा। डीजे राहुल, तो दोस्तों जैसे आपने सुना बिल्कुल ही स्मूथ लगा। आप इसी तरह से डीजे गाना मिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर कुछ गलती हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और हमें माफ कर दीजिए कुछ भी अगर गलती हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे तरफ से ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ सवाल बताना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।